साहब सच्चे सतगुरु जदों धन गुरु नानक देव पातशाह जी सियालकोट की धरती दे उत्ते गए ना, याद रखियो नाम बिना सब कूड़ गल ही होशियां। जपो ता एको नामा वर नेरा फल कामा, एक नाम तो बगैर वाहिगुरु जी दे घर अंदर कदी ढोई नहीं मिलेगी। साहब सच्चे सतगुरु जी सियालकोट की धरती दे उत्ते गए ते उस धरती दे उत्ते एक पीर रहिंदा गया, नाम है हमजा गोश। ए पीर काबुल तो आया सी, सियालकोट की धरती दे उत्ते इन्हें डेरा लाया, इन्हें काफ़ी रिद्धियां सिद्धियां अपने वस दे विच कीतियां हुईयां सन। कोई परिवार आया उन्हें आण के आख्या जी महाराज साडे कोल धन दौलत माया बहुत ज़्यादा है पर साडे कोल पुत्र नहीं है, ते जे आप जी की कृपा होवे ते करना ते सब कुछ परमात्मा ने अकाल पुरख ने उस सबबी कोई ऐसा मेल बनिया कि उन्हां दे घर एक छड्डो तीन पुत्र हो गए। जदों तीन पुत्र होए उन्हां ने आख्या सी जे पुत्र हो जाएगा ते की कहिंदा जी मैं जे पुत्र हो गया पहला पुत्र मैं तुहाडे डेरे चढ़ा देंगे। जदों पता लगा पीर जी नूं कि इन्हां दे घर पुत्र ते हो गए ने पर मन बेईमान हो गया, ते जदों मन बेईमान हो जावे उह अपने बचनां तों फिर जांदा। पीर जी नूं इस गल दा गुस्सा लगा, उन्हां ने सारे सियालकोट भाव अपने आले दुआले यह डोंडी पिटवा दित्ती कि जिहड़ा भी बंदा पीरां दे नाल मस्करी करदा गए उन्हूं सजा भोगण दे लई तैयार रहना चाहीदा। मैं कल इस झूठे नगर नूं तबाह कर देंगा, खत्म कर देंगा। ये जदों ढोल वाले ने अपने गल च ढोल पा के सारे किते डोंडी पिट दित्ती ते सारे नगर दे सवास जिहड़े सन उह रुक गए कि हुण की बनेगा। पीर हमजा गोश 40 दिन दी जिहड़ा कह दिए कि समाधि दे विच चला गया सी, 40 दिन तप करन लगा ते साहिब सच्चे सतगुरु गुरदेव महाराज जी ने देखिया कि एक गल दे विच ढोली ढोल पा के ना वह इसे चीज़ का प्रचार कर रहा है। गुरु साहब जी ने आख्या कि भाई तेरा एदे नाल कोई लैण देण है, कोई प्रेम प्यार वाला रिश्ता है? कहिंदा कोई प्रेम प्यार वाला रिश्ता नहीं। इन्हां ने आख्या सी कि माया मिलेगी तो मेरा ये जेड़ा मैसेज है संदेशा है लोगों तक पहुँचा दे। गुरु साहब कहिंदे ने लै भाई तेरा काम पूरा हो गया, हुण कहिंदे ने काम रहा है साडा, तू अपने घर जा। गुरदेव महाराज उस थान दे उत्ते बैठे ने, पीर हमजा गोश जदों बाहर आया उन्हें देखिया कि मेरे आओ भगत दे विच कोई भी नहीं, मेरे स्वागत दे अंदर कोई भी नहीं। बड़ा हैरान होया कि लोग इतने बेखौफ हो गए, इन्हां नूं कोई रब दा खौफ ही नहीं रहा, इन्हां ने जिंदगी दे विच रब दे प्यारियां दी कोई थां नहीं। बड़ा गुस्से दे विच आखदा मैं सारे नगर नूं साड़ के सुबह कर दियांगा। गुरु नानक साहिब जी ने आख्या कोई वजह ये सियालकोट साड़ना क्यों है? कहन लगे महाराज ये लोग झूठे ने। साहब जी ने आख्या तुहानू किवें पता कि लोग झूठे ने? साहब जी नूं कहन लगा महाराज सारे ही लोग झूठे ने, इन्हां ने वचन आख्या सी कि मैं पुत्र दियांगा पर उन्हां दे घर तीन पुत्र हो गए। जदों मैं आख्या कि साडे डेरे कदों ये पुत्र दियोगे तो कहन लगे कि पदार्थ दिते जांदे ने, पुत्रां वर्गियां दातां थोड़ी डेरे च दित्तियां जांदियां। वो मुकर गया महाराज ये झूठी दुनिया है, मैं इस दुनिया नूं तबाह कर दियांगा। महाराज कहिंदे ने खड़ जा, थोड़ा जा हलीमी रख, सबर रख, तू कोई गल नहीं जे तू कहना कह के दुनिया झूठी है सियालकोट झूठा के तबाह करना है। महाराज कहिंदे ने कर दई पर दो पल दे लई रुक जा। गुरु नानक साहब जी ने उस ही थान दे उत्ते इक कागज कढ़िया ते उस कागज दे विच लिख दिता कि सच की है ते झूठ की है। भाई मरदाना जी नूं आख्या कि लै मरदानिया इस सियालकोट दे विच जाके पुछ के आ कि सच की है ते झूठ की है।
भाई मरदाना जी ने परची पकड़ी है, परची पकड़ के तो तुर पे ने। फिर कुछ समय बाद आए ने ते पता लगा इत्थे जोना झूठ है ते मरना सच है। साहब सचे सतगुरु जी आखदे ने कि भाई तू ते कहिंदा सी सारा सियालकोट झूठा कह, नहीं इत्थे सच्चे बंदे भी ने। महाराज जी ने आख्या इदा नहीं करना, असी तप असी भगती असी बंदगी इस करके नहीं करते कि किसी नूं सवा कर दिए, किसी नूं खत्म कर दिए। बंदगी खत्म करन वालियां नूं वाहिगुरु जी जिहड़े खत्म हो चुके ने उन्हां नूं जिंदा करन दे लई हुंदी है, पर तू तू ते जिंदे बंदियां नूं ही खत्म करी जा रहे। साहब सच्चे सतगुरु जी ने आख्या सारा सियालकोट झूठा नहीं। जदों ये बचन आखे महाराज कहिंदे ने उस परमात्मा दे नाम नूं सिमरो, जपो ता एको नामा अवर नेरा फल कामा। पीर जी तुहाडी भगती किसे अर्थ नहीं जे तुहानूं सोझी ना आई, जे तुहाडे अंदर संतुष्टि ना हुई, जे तुहानूं ये पता ही ना लगा कि रब की भगती इबादत करी दी की कादे लई है। रब की इबादत का सब तो पहला स्टैप है फरीदा आप सवारे मैं मिला। पहला अपने आप नूं सवारना है, वो सवारना यह नहीं है कि आप शीशे अगे खलो जाइए अपने तन नूं चंगी तरह सवार लईए। सवारण दे अर्थ ने गुणा दे नाल भरपूर कर लैना, गुणा दे नाल भर लैना। गुरु नानक साहब जी दे बचन सुन के वो जिहड़ा पीर सी ना वो पीर सच्चे सतगुरु जी दे चरणां दे उत्ते झुक गया ते कहन लगा कि महाराज आप जी ने मेरियां अखां खोल दित्तियां ने, आत्मक बुद्धि आत्मक ज्ञान बख्श दिता के आप जी की बहुत बहुत कृपा हो, आप जी की बहुत वड्डी रहमत होवे। साहब सच्चे सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जिथे भी जाते ने तुसी देखो वो इको बार ही जीवन नू बदल के रख देंदे ने। बार बार गुरु नानक साहब जी किते नहीं गए, कोई एक दो थावां कौन गईआं जिथे इतिहास दे विच जिक्र मिलता है कि गुरु नानक साहब जी उस थान दे उत्ते गए ने, पर नहीं बहुत ही बार जिथे भी सच्चे सतगुरु जी गए ने एक बार गए ने एको बार जान दे उत्ते जीवन बदल दिता। वो किवें संभव होया कि एक बार गुरु साहब जी जाते ने ते एको बार जीवन बदल के रख देंदे ने? क्योंकि सच्चे सतगुरु जी पारस की वट्टी ने, ये वो पारस की वट्टी है कि वह पारस की वट्टी अठ धातां दे किसी भी धात दे विच जुड़ जावे लग जावे ते वह धात सोने दे विच बदल जाती है, उसे वट्टी नूं दूजी वार लाउण दी लोड़ नहीं पैंदी। ऐसी उस वट्टी दे अंदर परमात्मा दे घर दी किरपा के मानो गुरु नानक साहब अकाल पुरख दी जोत ने ते वह निरंजनी जोत जिस थां दे उत्ते विचरदी है जिस दे नाल विचार वटांदरां हुंदियां ने वह अपने आप नूं गुरु नानक साहब जी दे अगे सरेंडर कर दिंदा। ये वाहिगुरु जी बड़े प्रेम दे नाल सुनना कि जिहड़ी कुहाड़ी है ना ये कुहाड़ी जो चंदन नूं वड्ढण दे लई पैंदी है, चंदन दा बूटा कह किसे बंदे ने कुहाड़ी नूं चुकिया वह कुहाड़ी चंदन दियां जड़ां दे विच मारी, वह चंदन दे जड़ां दे विच कुहाड़ी नूं मारदा कह ते देखो चंदन दा बूटा उहदे मुख दे विच सुगंधी भरदा, सुगंधी भरदा। किड्डी कमाल दी गल है। धन गुरु नानक देव महाराज जी नूं कुराइया कहण वाले, गुरु नानक साहब महाराज जी नूं डूम कहण वाले, पर गुरु नानक साहब उन्हां दी रसना दे विच उन्हां दे मुख दे विच फिर भी अमृत बंटदे पए, क्योंकि गुरु नानक साहब जी दा सुभाव है उह सुभाव के आप भी जपना है ये भगती ये बंदगी दी दात होरनां नूं भी बख्श करनी, ये गुरु नानक साहब जी का सुभाग है। ते पंचम गुरदेव महाराज कहिंदे ने जिहड़े वाहिगुरु जी दे नाम सिमरदे ने ना, जिहड़े वाहिगुरु जी दे नाम नूं जपदे ने, आ जिहड़ी आपां गल कीती है जपो तां एको नामा अवर नेरा फल कामा, अवर होर ने फल पाव बिल्कुल बेअर्थ कर्म, परमात्मा दी याद तो बगैर होर सारे कर्म बेफल।
सिर्फ परमात्मा की याद, अकाल पुरख की याद।